वहीं ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती पर नुह में हमारे संवाददाता सुशील से बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला से भी खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। दिग्विजय चौटाला जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं इस मौके पर। दिग्विजय जी, 108वीं जयंती है ताऊ की। जी, बहुत खुशी है हमें कि उनका 108वां जन्मदिवस प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में लाखों करोड़ों जो उनके अनुयायी हैं बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से त्योहार की तरह मना रहे हैं, और ठीक उसी तरह हम भी उनके अनुयायी, उनकी इस इंस्टीट्यूशन के शिष्य आज लालपुर के अंदर एकत्रित होकर के अपने महान नेता को उनका स्टैचू लगाकर, जो सबसे बड़ा स्टैचू उनका है वो लगा करके उनको आज याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है कि सबसे बड़ी प्रतिमा 42 फीट ऊंची? हमारी सोच ये है कि डैश जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है दिल्ली से लेकर के बंबई तक, ये अपने आप में इस देश के विकास की गति में एक अलग इंपॉर्टेंस रखेगा। उस पे दिल्ली से चलते ही अगर उनका स्टैचू नई पीढ़ी को नजर आएगा तो वो अपने बड़ों से पूछेंगे कि ये महान नेता कौन थे, इनके किए हुए कार्य क्या थे, और जब वो ये जानेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश की सोशलिस्ट राजनीति को, गरीब किसान मजदूर की सोच को बल मिलेगा, नई पीढ़ी उनके बारे में जानेगी। हमारी सोच ये है कि ये स्टैचू जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ेगा, ये अपने आप में जैसे चौधरी देवीलाल जी की सोच थी वैसा ही मजबूत जो है ना यहाँ से विचार आगे बढ़ाने का काम। दिग्विजय जी, किसानों के सबसे बड़े मसीहा थे वो, आज आपकी पार्टी की सरकार है और आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग किसान हितैषी नहीं हो, किसान आपके खिलाफ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपके सामने लोग बैठे हैं, हम सब जो है वो किसान परिवारों के घर के लोग हैं। किसानों की आज MSP बढ़ रही है, किसानों की मंडियां आज बढ़ रही हैं, किसानों को हरियाणा में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, किसी की कोई तकलीफ हो प्रैक्टिकली आपको हरियाणा में एक आदमी नहीं मिलेगा। मैं विश्वास से कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। सारे विपक्षी दल आज एक होकर के केंद्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा थामे हुए हैं, और उसमें ये दुष्यंत को टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का खून वो है, इसलिए उनको लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है और किसान पर सबसे पहले टारगेट किया जा सकता है तो इसको करें। मगर जबकि दुष्यंत के खिलाफ उनके पास कहने को, बोलने को कोई एक शब्द नहीं। आज जींद में भी तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, वहाँ पे कई नेता वो सब चौधरी देवीलाल जी को अलग अलग स्थलों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर याद कर रहे हैं, उसमें कोई वो सबका काम है, सब अपना। चौथी पीढ़ी ताऊ देवीलाल के आमने सामने, अभी फायर ब्रांड माने जाते हैं, और दूसरी मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे हैं, उधर से भी चौथी पीढ़ी है जो लगातार आरोप प्रत्यारोप। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, मेरे छोटे भाई हैं, वो अच्छा करें, जीवन में आगे बढ़े, राजनीति में आगे बढ़े, लोगों का भला करें। आप इस रैली के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ संदेश है? संदेश यही है कि चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते पर चलो, गरीब किसान मजदूर कमेरे वर्ग की सेवा करो, सदैव लोगों के लिए जियो। अगर सत्ता में हो तो सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए, और अगर संघर्ष करो विपक्ष में रहकर तो भी लोगों के लिए। ये दिग्विजय चौटाला जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये सम्मान समारोह है और आज के दिन ये सेवा का संकल्प है, और इस मंच से यही आगाज है कि लोग जो ताऊ देवीलाल की सोच थी उसको आगे बढ़ाएं। कैमरामैन विनय के साथ सुशील सिंह, मेवात, हरियाणा।